बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है रेशमी पनीर हांडी। रेशमी पनीर हांडी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सबसे पहले बोनलेस ब्रेस्ट चिकन लिया है 600 ग्राम, उसके क्यूब्स कर लिए हैं। 4 टेबलस्पून ऑयल की ज़रूरत है। 2 बड़े अनियन लिए हैं, उसका पेस्ट बना लिया है। 1/2 कप योगर्ट है, इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। 1/2 कप फ्रेश क्रीम है। 1/2 कप कोकोनट मिल्क है। इसके अलावा 1/2 कप चेदर चीज़ है। 4 टेबलस्पून बटर है। कैप्सिकम चाहिए 1/2 कप, उसको ऐसे थिन स्लाइसेस में कट कर लिया है। गार्निशिंग के लिए ग्रीन चिल्ली चाहिए, जिसको जूलियन कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून ग्रीन चिल्ली का पेस्ट है। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। 1 टीस्पून सॉल्ट है। 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर है। 2 टीस्पून रोस्टेड क्यूमिन है, इसको रोस्ट करने के बाद इसका पाउडर बना लिया है। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है। 1/2 टीस्पून वाइट पेपर है। अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर पैन रखा है। 4 टेबलस्पून ऑयल इसमें ले लिया है। सबसे पहले इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसको थोड़ा सौते कर लेंगे। इसको ज़्यादा कलर नहीं देना है। थोड़ा सा सौते करने के बाद इसमें अनियन पेस्ट शामिल कर देंगे। अब इसमें चिकन शामिल करेंगे। और इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। चिकन कुक हो गया। अब इसमें तमाम स्पाइसेस शामिल करेंगे। वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। अब इसके अंदर ये दही शामिल कर देंगे। ग्रीन चिल्ली का पेस्ट शामिल कर देंगे और साथ ही ये कोकोनट मिल्क भी शामिल कर देंगे। अगर आपके पास कोकोनट मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आप इसको घर में बना सकते हैं। कोकोनट की जो काशे हॉकर्स बाज़ार में बेच रहे होते हैं वो वाला कोकोनट ले गया आपने, थोड़ा सा पानी डाल के उसको ब्लेंडर में ब्लेंड करना है और उसके बाद उसको स्क्वीज करके उसके अंदर से सारा लिक्विड अच्छी तरह से निकाल के उसको स्ट्रेन कर लेना है। अगर वो भी नहीं आप कर सके तो फिर आप जो ड्राई कोकोनट पाउडर मिलता है वो यूज़ कर लें। अब इसको कुक करना है जब तक कि ये जो योगर्ट है ये ड्राई ना हो जाए। ये देखें ड्राई हो गया पानी सारा इसमें से, ये इसमें से ऑयल नज़र आने लग गया। अब इस स्टेज पे हम इसमें कैप्सिकम शामिल करेंगे। चिकन टेंडर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो कुकिंग है वो जल्दी जल्दी इसकी कंप्लीट करेंगे। ये चेदर चीज़ शामिल कर दी है इसमें। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि चेदर चीज़ जो है वो जो क्यूब की शक्ल में मिलता है वो आपने इस्तेमाल करना है। आपने इसकी स्लाइस इस्तेमाल नहीं करनी है, स्लाइस कभी भी इसमें मेल्ट नहीं होंगे।
अब इसके अंदर ये बटर शामिल कर देंगे, बहुत ही रिच और क्रीमी ग्रेवी बनेगी इसकी। ये सेम रेसिपी जो है आप किसी दूसरे मीट के साथ भी रिपीट कर सकते हैं, बीफ के साथ या मटन के साथ भी बना सकते हैं, सिर्फ उसका कुकिंग टाइम डिफरेंट होगा। उसको रिड्यूस करने के लिए अगर आप मीट को पहले बॉईल कर लें तो सेम प्रोसीजर फॉलो करके आप ये बना सकते हैं। अब जस्ट इसका लास्ट स्टेप है, अब आपने इसको बर्नर से हटा देना है और हटाने के बाद आपने इसमें ये जो फ्रेश क्रीम थी ये ऐड करनी है। फ्रेश क्रीम कभी भी बर्नर पे ऐड मत करिए, क्रीम को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लिया, इसको फिर से बर्नर पे शिफ्ट किया। जस्ट आपने इसको कुछ सेकंड कुक करना है और आपकी रेशमी पनीर हांडी जो है वो रेडी हो गई है। रेशमी पनीर हांडी रेडी है, अब इसको डिश आउट कर देते हैं। ये देखें, रेशमी पनीर हांडी को डिश आउट कर लिया है, ग्रीन चिलीज के साथ इसको गार्निश कर दिया है, अब ये रेडी टू सर्व है।